तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने सर्वर 16 के अंदर। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड खुला हुआ है। तो सर्वर मैनेजर जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्वर मैनेजर ऑप्शन में जाके। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, एड रोल्स एंड फीचर्स ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है डेस्टिनेशन सर्वर सर्वर 01, यानी कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा है वो सर्वर 01 सर्वर के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो वो हमने ऑलरेडी सेट कर लिया है इसके ऊपर। नेटवर्क सेटिंग्स जस्ट लाइक स्टेटिक आईपी एड्रेस इज कन्फिगर्ड, तो हमने ऑलरेडी इस पर स्टेटिक आईपी कन्फिगर कर लिया है। ठीक है, और तीसरी चीज़ कह रहा है ये सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर विंडोज़ अपडेट आर इंस्टॉल, यानी कि लेटेस्ट सर्विस पैक और जो विंडोज़ अपडेट के थ्रू जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारे पास हैं, ये प्री रिक्विजिट्स हमने कंप्लीट कर ली है इसकी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखो यहाँ इंस्टॉलेशन टाइप में दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है रोल बेस्ड या फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन के लिए, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करोगे तो इसी सर्वर पे सारी चीज़ें कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड रोल्स करके आप जितने भी रोल्स और फीचर हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करोगे तो रोल इंस्टॉल करने के बजाय रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वर्चुअल मशीन बेस्ड सेशन और डेस्कटॉप डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, VDI के थ्रू आप क्या है वर्चुअल मशीन बेस्ड सेशन डिप्लॉय कर सकते हो, मशीन्स बना सकते हो। तो ये VDI के लिए होता है सेकंड ऑप्शन। सर्वर पे कुछ भी कन्फिगर करना है तो फर्स्ट ऑप्शन से ही कन्फिगर होगा। ठीक है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली इसी ऑप्शन को ज़्यादा यूज़ करेंगे, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन को। नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद ये कह रहा है सेलेक्ट ए सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। तो अभी सर्वर पूल के अंदर फर्स्ट सर्वर यहाँ पे क्रिएटेड है जिसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वर्जन डाला है वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सर्वर को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ पे ADDS इंस्टॉल करना है, तो इस पर टिक करेंगे सेकंड ऑप्शन पे। इसके अलावा देखो ये पॉपअप एकदम से आ गया यहाँ पे, तो ये इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज या फीचर्स इंस्टॉल होंगे, तो ऐड फीचर पे करेंगे क्लिक। तो इसकी जो इसके साथ जो सर्विसेज हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी, जो फीचर्स इसके साथ लेने हैं वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमें ये लेना है यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये लिखा आ रहा है देखो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द नेटवर्क एंड मेक्स दिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। ADDS यूजर्स डोमेन यूजेस द डोमेन कंट्रोलर्स टू गिव नेटवर्क यूजर्स एक्सेस टू परमिटेड रिसोर्सेज एनी वेयर ऑन द नेटवर्क थ्रू ए सिंगल लॉग इन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। अब इसमें फीचर्स में ऑटोमेटिक देखो ग्रुप पॉलिसी सिलेक्टेड है, तो ये इसका फीचर का पार्ट है। ठीक है, तो ये इसके साथ ही आ रहा है। इसके अलावा रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल भी इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है एक्टिव डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट कर रहा है और क्या आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें लॉगिन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ADDS इज प्रोवाइड लॉगिन ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये कह रहा है ADDS आल्सो रिक्वायर द DNS सर्वर टू बी इंस्टॉल ऑन द नेटवर्क, इफ यू डू नॉट हैव द DNS सर्वर इंस्टॉल यू विल बी प्रॉम्प्टेड फॉर द DNS सर्वर रोल ऑन दिस मशीन। अगर आप DNS सेलेक्ट नहीं करते, आपने प्रीवियस स्क्रीन में DNS सेलेक्ट नहीं किया था, ये देखो यहाँ पे DNS सर्वर है, आप इसको भी सिलेक्ट करके ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसे नहीं लेते हो, ये देखो, तो आपको वहाँ पे प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक है, तो आपको इसके साथ DNS भी लेना है, अगर आप नहीं लेते DNS तो वो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट कर देगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे देखो DNS भी ले ले रहा हूँ,
और नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। तो ये सर्विसेज के थ्रू एडी और डीएनएस ये दोनों चीज़ें आपकी आ जाएंगी इसमें। डीएससीपी नहीं करना था क्या? डीएससीपी की अभी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली करते हैं। डीएससीपी भी ले सकते हो आप, उसके एक अलग सर्वर बनाओगे आप डीएससीपी के लिए। हाँ, इसी पे नहीं करोगे, एक अलग सर्वर बनाओगे, ठीक है, उसे एडी से ऑथेंटिकेट करोगे और फिर उसमें डीएससीपी रोल डालोगे, क्योंकि डीएससीपी जो है ना वो अलग है, वो नेटवर्क सर्विसेज है आपकी, क्योंकि क्लाइंट को आईपी देना है तो उसके लिए काम आएगी वो, ठीक है ना। अभी तो हमारे पास क्या है कि एक मशीन है, इसमें आपने डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर लेना है एडीडीएस डाल के, ठीक है, और उसे डीएनएस भी बनाओगे, और साथ में क्या होगा, जो क्लाइंट है आपके वो उस एडी सर्वर को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है ना। और एडी और डोमेन कंट्रोलर हम एक ही सर्वर पे बनाते हैं या कि अलग बना सकते हैं? कौन से? एडी और डीसी। एडी और डीसी। हाँ, जैसे डोमेन प्रमोट करते हैं हम, एडी को भी प्रमोट करते हैं। हाँ, तो देखो अभी क्या है ना, ये नॉर्मली क्या है, आपका जो डोमेन है यही आपका डीसी है, ये डोमेन जो है आपका यही डीसी है आपका, ये अभी जिस सर्वर पे हम बैठे हैं वो डोमेन कंट्रोलर है, वो एक सर्वर मशीन है, फिजिकल सर्वर है, वो उसी के अंदर डोमेन बनाया जा रहा है। तो जो डोमेन जहाँ होस्ट होता है वो डोमेन कंट्रोलर होता है, जो डोमेन सर्विसेज को होस्ट कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे डोमेन सर्विसेज डाली जा रही है ना, यानी कि डोमेन सर्विसेज होस्ट हो रही हैं एक जगह जाके, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, डोमेन कंट्रोलर बन रहा है, ये सारी डोमेन कंट्रोलर पे ही चल रही है हमारी। अभी जो सर्वर है ये डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होगा, अभी से हम प्रमोट करेंगे सर्वर को, ये देखो ये अभी ऑप्शन आ गया, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। तो जैसे ही हम एडीडीएस डालते हैं इसके अंदर एक्टेड एक्टिव, ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछता है कि दिस सर्वर प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, ये डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर, अब ये डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन विजार्ड चलेगा आपका, ये देखो ये आपसे पूछ रहा है, देखो ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है ऐड ए न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और तीसरा कह रहा है ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। तो अभी हमारे पास ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये एग्जिस्टिंग डोमेन के लिए, कि पहले से डोमेन बना हुआ है और उसी डोमेन में आप आगे और नया सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। हमें ऑप्शन चूज़ करना है ऐड ए न्यू फॉरेस्ट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि नया फॉरेस्ट पहले बनेगा, तो नया फॉरेस्ट का नाम क्या होगा, देखो यहाँ से पूछ रहा है रूट डोमेन नेम। देखो मैंने क्या बताया था, ये फॉरेस्ट बनेगा, फॉरेस्ट में ये डोमेन बनेगा, ये नया रूट डोमेन बनेगा, ये रूट डोमेन का नाम पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे आपको डालना है yahoo.com, gmail.com, इस टाइप से कोई भी डॉटेड नेम डालने हैं। तो रूट डोमेन पूछ रहा है, रूट डोमेन इज़ द फर्स्ट डोमेन, तो यहाँ पे हम डाल देंगे रूट डोमेन का नाम। तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, gmail.com, ये डोमेन का नाम डाल दिया मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे इसको, तो gmail.com के नाम से एक नया फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और उस फॉरेस्ट के अंदर एक नया डोमेन कंट्रोलर रेडी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये कह रहा है देखो, सेलेक्ट द फंक्शनल लेवल ऑफ द न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन, ये कह रहा है कि किस टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने डोमेन में यूज़ करना चाहते हो। तो उसके लिए फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल में किस वर्जन में आप ADDS को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो अब ये यहाँ से देखो डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है सर्वर 2008, एक आ रहा है सर्वर 2008R2, एक आ रहा है 12, एक आ रहा है 12R2, और एक आ रहा है विंडो सर्वर टेक्निकल प्रीव्यू। टेक्निकल प्रीव्यू इज़ ए सर्वर 16, सर्वर 16 को बोला जाता है टेक्निकल प्रीव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपना मिनिमम फंक्शनल लेवल सेलेक्ट करना है कि हम किस मिनिमम लेवल को सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई पुराने सर्वर भी हैं तो वो भी क्या है, काम कर पाए। तो हमें क्या लेके चलना है, मिनिमम लेवल लेके चलना है। तो अगर हम यहाँ पे
सेलेक्ट कर लेंगे 2008, तो ये 2008 से लेकर 16 तक के सर्वर्स को सपोर्ट करेगा। और अगर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, टेक्निकल प्रीव्यू ले लोगे, तो ये क्या करेगा, सर्वर 16 से जो नीचे वाले सर्वर है उनको सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि इसके फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ सर्वर 16 और हायर वर्जन के ऑपरेटिंग ही डाले जाएंगे, सपोर्ट करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे लेना चाहिए मिनिमम फंक्शनल लेवल, तो मैं ले रहा हूँ 2008 सर्वर। बाद में चाहे तो आप फंक्शनल लेवल को रेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले हाई कर दिया फिर बाद में आप रेज नहीं कर सकते उसे, या डिमोट नहीं कर सकते आप उसे। लो से हाई तो हो जाएगा पर हाई से लो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बाद में आप चाहते हो कि फंक्शनल लेवल बढ़ा दें, भाई 2008 सर्वर यूज़ नहीं कर रहे, 12 यूज़ कर रहे, तो फंक्शनल लेवल को बढ़ा के 12 कर सकते हो आप बाद में। लेकिन अगर आपने पहले ही क्या कर दिया, 16 कर दिया, फिर आप क्या नहीं कर सकते, 12 में नहीं जा सकते, ना ही 8 में जा सकते। इसलिए हमने पहले ही यहाँ पे क्या कर दिया, 8 सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा देखो ये कह रहा है कि DNS सर्वर कैपेबिलिटी भी इसके अंदर होगी, डोमेन कंट्रोलर के साथ साथ ये DNS सर्वर का भी काम करेगा, तो DNS सर्वर भी इसमें इंस्टॉल होगा। साथ में कह रहा है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बनाएगा। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पूरे फॉरेस्ट में एक ऐसा सर्वर होता है जिसके पास सारे ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक इंडेक्स सर्वर होता है। इंडेक्स सर्वर इस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, ये एक ऐसा सर्वर है जिसके अंदर जितने भी सर्वर्स आपके नेटवर्क में हैं या जितने ऑब्जेक्ट्स आपने बना रखे हैं उनकी कंप्लीट कॉपी स्टोर करता है ये। इसलिए यूज़ किया जाता है कि पूरे फॉरेस्ट में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करें तो वो इजीली सर्च हो जाए, क्योंकि उसकी इंडेक्स एंट्री अपने पास रखता है, ठीक है ना। तो ग्लोबल कैटलॉग इज जस्ट लाइक एन इंडेक्स फॉर सर्चिंग ऑब्जेक्ट्स इन द डोमेन। डोमेन में ऑब्जेक्ट्स को सर्च करने के लिए ग्लोबल कैटलॉग यूज़ किया जाता है, दैट्स इट, ठीक है, इनको लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ रीड ओनली डोमेन आ रहा है, इस पर आप टिक लगाओगे तो लेगा नहीं, ग्रेड आउट है। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर आप एक दूसरा सर्वर बना सकते हो जिसको आप ब्रांच ऑफिस डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। आप AD सर्वर ही ब्रांच में नहीं रखोगे सिक्योरिटी रीजन से, ठीक है, क्योंकि आपके सर्वर को कोई हार्म कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, RODC रखेंगे वहाँ पे ब्रांच ऑफिस में। तो उसके लिए आप इसको बाद में डिप्लॉय कर सकते हैं ब्रांच ऑफिस डिप्लॉयमेंट में, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे DC बनाओगे, उसके बाद ही आप RODC बना सकते हो। तो ये ऑप्शन ग्रेड आउट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टाइप द डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड पासवर्ड, DSRM पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है। DSRM पासवर्ड वो पासवर्ड है जब आप बैकअप सर्वर बनाते हो, बैकअप ले लेते हो AD का, और किसी वजह से आपका AD करप्ट हो जाता है, तो वापस से आप क्या है उसको रिस्टोर करना चाहते हो। तो रिस्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, DRSM मोड सेलेक्ट करोगे और DSRM मोड में जाके आप लॉगिन करोगे। तो उस समय लॉगिन के लिए जो पासवर्ड मांगा जाएगा वो कौन सा होगा वो यहाँ डालना पड़ेगा। तो मैंने DSRM का पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, admin@123। नॉर्मली जो हम एडमिन का पासवर्ड रखते हैं वही रखते हैं इसको, अगर आपने एडमिन से डिफरेंट रख दिया तो फिर अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो एडमिन वाला पासवर्ड है वही यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे कि कभी भी सर्वर क्या है प्रॉब्लम करे और रिस्टोर करना चाहे तो फिर जब वो लॉगिन पासवर्ड मांगेगा तो वहाँ पे एडमिन पासवर्ड वो वाला नहीं लेगा जो आप डाल रहे हो, वो कौन सा लेगा, जो यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर किया था। अगर आपको डर है कि मैं भूल जाऊँगा, यहाँ पे कुछ और पासवर्ड आपने डाल दिया और भूल गए, तो फिर लॉगिन नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वही पासवर्ड आप डालें जो आपको याद रहता है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप एडमिन वाला ही यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं तो फिर जब रिस्टोर करने के टाइम आएगा तो उस समय आप क्या है प्रॉब्लम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कर दो। अब ये कह रहा है कि डेलीगेशन ऑफ द DNS सर्वर इज़ नॉट क्रिएटेड बिकॉज द ऑथोरिटेटिव पैरेंट जोन इज़ नॉट फॉर्म, यानी कि DNS सर्वर इस पर इंस्टॉल नहीं है और DNS सर्वर इंस्टॉल किया जाएगा, तो हमने DNS पे टिक कर दिया था, ठीक है, और DNS जो है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक पैरेंट जोन क्रिएट करेगा, किस नाम से, gmail.com के नाम से,
ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट द डीएनएस डेलीगेशन, पर इस पर आप टिक मार्क नहीं कर सकते क्योंकि डीएनएस सर्वर जो है वो ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, कन्फिगर्ड नहीं है। अगर पहले से बना होता तो हम इसी सर्वर के अंदर इस इंफॉर्मेशन को डेलीगेट कर देते, जोन बना लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली करेगा, क्या करेगा, जोन बनाएगा, अलग से सेपरेट जोन बनाएगा, ठीक है, विदाउट डेलीगेशन। डेलीगेशन कैसे किया जाता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, स्टैंड अलाउन टू एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस जब टॉपिक चलेगा तब आपको बताऊंगा कैसे डीएनएस डेलीगेशन ऑप्शन यूज़ कर सकते हो आप। इसके बाद भी ये पूछ रहा है नेट वॉयस डोमेन नेम। देखो नेट वॉयस डोमेन नेम इज़ अ हाफ पार्ट ऑफ द नेम। जैसे आपने लिया gmail.com, तो gmail.com का हाफ पार्ट क्या हो गया, जीमेल। हाफ पार्ट जो है वो आप यूज़ करोगे एज ए नेट वॉयस नेम, ठीक है ना। जैसे आपको डोमेन ज्वाइन वगैरह कराना है कहीं पे, तो आप हाफ पार्ट ऑफ द नेम भी डाल के डोमेन ज्वाइन करा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे नेट वॉयस नेम जो है वो काम करता है, ठीक है। नेट वॉयस नेम जो होता है वो पुराने वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो डीएनएस की तरह काम करता है, यानी कि वहाँ पे डीएनएस सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर नेट वॉयस नेम से ही नेम रिजॉल्व कर लिया जाता है। कंप्यूटर नेम टू आईपी, आईपी टू कंप्यूटर नेम रिजॉल्व करने के लिए काम करती है सर्विस, ठीक है। तो नाम से ही इसके सर्वर की जो है आईपी एड्रेस क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, इसलिए ये हाफ पार्ट ऑफ द डोमेन नेम यूज़ किया जाता है और ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो ये डेटाबेस क्रिएट करेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल होती है तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है, एक डेटाबेस को क्रिएट करती है, ठीक है। जो डेटाबेस होता है वो NTDS फोल्डर के अंदर स्टोर करता है अपने डेटाबेस को। तो NTDS एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर डेटाबेस बनेगा NTDS.DIT नाम से, ठीक है। और सिसवॉल फोल्डर भी बनेगा एक। देखो डेटाबेस तो जाएगा NTDS के अंदर, लॉग फाइल्स भी NTDS के अंदर ही जाएंगी, लेकिन सिसवॉल फोल्डर अलग से बनेगा। सिसवॉल फोल्डर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग GPOs, जो आपके GPOs बनते हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ की जो सेटिंग्स होती हैं या डोमेन स्क्रिप्ट्स होती हैं वो सिसवॉल फोल्डर के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सिसवॉल फोल्डर। तो तीसरा ऑप्शन आ रहा है सिसवॉल फोल्डर का। सिसवॉल फोल्डर जो है वो GPOs के लिए है, स्क्रिप्ट्स के लिए है, ठीक है। और सिसवॉल के अंदर एक और भी फोल्डर बनता है सिसवॉल के नाम से, सिसवॉल के अंदर बनेगा सिसवॉल। ये कैपिटल लेटर में बनेगा, वो स्मॉल में बनेगा अंदर इसके अंदर। और जो स्मॉल सिसवॉल होता है वो बाय डिफॉल्ट शेयर होता है, हिडन शेयर होता है, ठीक है। तो सिसवॉल फोल्डर जो है वो GPOs के लिए है और ये रेप्लिकेशन में पार्ट लेता है, ठीक है ना। जब फाइल रेप्लिकेशन सर्विसेज चलती है या डोमेन रेप्लिकेशन सर्विसेज काम करती हैं तो उस समय के ये रेप्लिकेट होता है फोल्डर, अदर सर्वर इसे एक्सेस कर पाते हैं और जो स्क्रिप्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उन सर्वर पे अप्लाई होती है वाया जिस सिसवॉल। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और अब ये सारी सेटिंग्स जो है हमने उठा ली हैं, ये देखो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे ले ली हैं, ठीक है। डोमेन का नाम gmail.com हो गया, दिस इज़ आल्सो नेम ऑफ द न्यू फॉरेस्ट, ठीक है। डोमेन का नाम भी यही है, फॉरेस्ट का नाम भी यही है। नेट वॉयस नेम जीमेल है, फंक्शनल लेवल 2008 सर्वर है, ठीक है। डोमेन फंक्शनल लेवल भी सेम है, ग्लोबल कैटलॉग यस है, डीएनएस सर्वर यस है, डेलीगेशन नो है, ठीक है। सिसवॉल और NTDS फोल्डर की सेटिंग्स, ठीक है, वो हो रही है यहाँ पे कन्फिगर्ड। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के अंदर आ जाती है, ये देखो इसकी एक यहाँ बन जाएगी स्क्रिप्ट फाइल जिसको आप पावर शेल में रन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओगे और इसको सेव एज कर दोगे और इसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो ADDS स्क्रिप्ट, ठीक है, .ps1 एक्सटेंशन से इसे सेव करना है आपको, ठीक है। और ये आप सेव कर सकते हो किसी भी ड्राइव के अंदर, मैं सी ड्राइव के अंदर कर देता हूँ, ये सेव हो चुका है, ठीक है, ये बाद में काम आएंगी, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब ये प्री रिक्विजिट्स जो हमने डाले थे उनको यहाँ पे क्या करेगा,
चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक होता है तो इंस्टॉलेशन कर देगा, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर आपका प्रमोट हो जाएगा और डोमेन कंट्रोलर आपका रेडी हो जाएगा। ये सारी प्री रिक्विजिट्स को फाइंड कर रहा है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर कोई एरर होती है तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिर उसे एरर को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये देखो ऑल प्री रिक्विजिट्स आर सक्सेसफुली चेक हो चुकी हैं और हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर बन के रेडी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा डोमेन कंट्रोलर रेडी हो चुका है, क्लोज़ करेंगे और इसको रीस्टार्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और रीस्टार्ट होने के बाद हमारा डोमेन कंट्रोलर रेडी हो जाएगा, ये देखो रीस्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये ऑन होने में। यहाँ पे देखो आपका सर्वर ऑन हो चुका है, अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। देखो gmail/administrator इस तरह से लिखा आएगा, पहले डोमेन का नाम आएगा फिर एडमिन का नाम आएगा। ठीक है,
तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करोगे अपने पासवर्ड से। अब इसमें क्या होता है कि ग्राफिक्स जो होता है वो ऑलरेडी डला होता है, सर्वर 2012 में ग्राफिक्स डला नहीं होता, तो उसके लिए क्या होता है यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो सॉफ्टवेयर होता है वो इसके अंदर डला होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं डला होता, इसमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाली चीज़ें नहीं है, वॉलपेपर नहीं है, 2012 में वॉलपेपर नहीं है आपके, डेस्कटॉप की जो सेटिंग्स हैं आइकॉन्स वगैरह उनकी सेटिंग्स नहीं है, वॉलपेपर चेंज करना, स्क्रीन सेवर चेंज करना वो चीज़ नहीं है, थीम वीम भी नहीं है कुछ भी। लेकिन सर्वर 16 में क्या है सारी चीज़ें हैं, तो ये हैवी है काफ़ी, ठीक है ना, इसलिए इसको रैम ज़्यादा चाहिए, थोक के भाव चाहिए, जैसे विंडो 10 है ना ग्राफिक वगैरह होता है उसमें, उसी तरह ये इसके कंफर्टेबल है। तो अब देखो ADDS डल चुकी है तो यहाँ आ गए, देखो और DNS भी डल गया, तो जो जो रोल डलता रहेगा वो साइड में आता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। टूल्स में जाओगे यहाँ पे AD वाले ऑप्शन दिख रहे हैं देखो, तो यहाँ एक्टिव यूजर कंप्यूटर्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको gmail.com मिलेगा डोमेन का नाम, और इसके नीचे आप यूज़र्स जो बनाओगे वो यहाँ पे आ जाएंगे आप, ठीक है। ये देखो gmail.com बन गया आपका डोमेन, बिल्ट इन में आपके बिल्ट इन ग्रुप्स होते हैं, कंप्यूटर्स में आपके कंप्यूटर्स होते हैं जो डोमेन में ज्वाइन होते हैं, डोमेन कंट्रोलर्स में देखो इसका नाम आ रहा है सर्वर वन, ये डोमेन कंट्रोलर बन गया, साथ ही ये GCN ग्लोबल कैटलॉग भी है, और ये डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट के अंदर इंस्टॉल होता है, इसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, जहाँ पे ये बना है जिस साइट के अंदर बना है, ठीक है। यूज़र्स के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र्स आते हैं और ग्रुप आते हैं, तो एडमिन यहाँ पे बना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और अगर 2012 की बात करें यहाँ पे, अभी ये वर्क ग्रुप में है और ये डोमेन में है, ये डोमेन इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो अगर आप यहाँ पे लोकल यूज़र एक्सेस करना चाहते हो तो लोकल यूज़र कैसे एक्सेस करोगे, उसके लिए देखो कमांड होती है lusrmgr.msc, ये लोकल यूज़र एक्सेस करने की कमांड है। तो यहाँ पे लोकल यूज़र्स क्या हो गए हैं, डिसेबल्ड हो गए हैं, लोकल यूज़र्स कहाँ चले गए हैं, डोमेन कंट्रोलर पे शिफ्ट हो गए हैं। देखो तो जब मैं लोकल यूज़र एक्सेस करता हूँ तो यहाँ लिखा आता है कि सर्वर वन इज़ ए डोमेन कंट्रोलर एंड स्नैपिन कैन नॉट बी यूज ऑन द डोमेन कंट्रोलर, डोमेन अकाउंट्स आर मैनेज विद एक्टिव यूज़र इन कंप्यूटर स्नैपिन, यानी कि अब जो यूज़र्स वगैरह को भी कन्फिगर्ड होंगे वो लोकली काम नहीं करेंगे, जो यूज़र्स वगैरह होंगे वो कहाँ पे काम करेंगे, अब डोमेन कंट्रोलर के थ्रू AD यूज़र्स के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं लोकल कंप्यूटर पे जाता हूँ, जैसे ये सर्वर है मेरा और लोकल कंप्यूटर है और यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल यूज़र ऑप्शंस दिखा रहा है आपको, यूज़र ग्रुप को मैनेज कर सकते हो, हाँ वर्क ग्रुप में आपके लोकल यूज़र्स काम करेंगे, लेकिन डोमेन में आपके AD यूज़र्स काम करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस पता लग गया, वहाँ पे लोकल यूज़र मैनेज हो रहे हैं, यहाँ पे डोमेन यूज़र मैनेज हो रहे हैं। अगर डोमेन कंट्रोलर आप बना लेते हो तो लोकल यूज़र ख़त्म हो जाते हैं और वो शिफ्ट हो जाते हैं डोमेन यूज़र पे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। अब लॉगिन आपको करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको सर्वर मशीन पे ही लॉगिन नहीं कर सकते, आप जो भी यूज़र आप बनाओगे वो लॉगिन कहाँ करेगा, क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करेगा, ठीक है, वो सर्वर मशीन पे एक्सेस नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ से आप यूज़र बना सकते हो ग्राफिकल मेथड में, न्यू यूज़र, यहाँ पे आप यूज़र बना सकते हो, आपने यहाँ पे लिख दिया यूज़र वन और लॉगिन नेम भी आपने लिखा यूज़र वन, और यहाँ पे आपने एडमिन पासवर्ड डाल दिया, जो भी इसका आप अकाउंट पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो डाल दिया, और यहाँ पे देखो ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ठीक है, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया, तो यूज़र बन के तैयार हो गया आपका, ठीक है। अब ये यूज़र लॉगिन करेगा क्लाइंट मशीन पे,
तो इसको आपको डोमेन में ज्वाइन कराना पड़ेगा मशीन को। तो सर्वर 16 में देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका डीएनएस सर्वर की सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो टीसीपी वर्जन 4, यहाँ पे देखो 127.0.0.1 लिख के आ रहा है, इसको हटा के फिर से यहाँ पे आपको डीएनएस सर्वर की सेटिंग डाल देनी है। पहले डाली थी वो हट गई ना, जब एडी डालते हैं तो हट जाती है, ठीक है, फिर से डालनी पड़ती है। डाल दी आपने यहाँ पर, ठीक है। अब आपको डोमेन ज्वाइन कराना है इस मशीन को, ये दूसरी मशीन है, चाहे तो आप क्लाइंट ले लीजिए, कोई भी मशीन ले लीजिए, वो आप डोमेन ज्वाइन करा सकते हो उसे। तो उसके लिए आपको अपने सर्वर पे जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे हमें अपने डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस डालना होगा, कोई भी आईपी डाल दो और अपने डीएनएस सर्वर का एड्रेस डाल दो यहाँ, बस इतना करना होगा। और डोमेन ज्वाइन कैसे कराओगे, इसके लिए sysdm.cpl ये कमांड चलाओगे। यहाँ पे वर्क ग्रुप ऑप्शन आ रहा है, चेंज पे जाओगे, देखो कंप्यूटर नेम भी चेंज करोगे यहाँ पे, इस कंप्यूटर नेम रख दो server 02, मेंबर ऑफ डोमेन gmail, तो यहाँ पे gmail.com लिख के एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये यानी कि इसको आप जो है नेट मोड पे था, ब्रिज मोड पे ले आओ और फिर से यहाँ पे एक्सेस करो इसको। ऑथेंटिकेशन देना है एडमिन पासवर्ड gmail.com का, ये देखो वेलकम टू gmail.com डोमेन। अब आपने क्या कर लिया, इसको डोमेन में ज्वाइन करा दिया, ये मशीन आपकी डोमेन में ज्वाइन हो चुकी है। एक बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे ही रिस्टार्ट होगा इस कंप्यूटर का नाम यहाँ पे दिख जाएगा आपको, देखो टूल्स में जाओगे, एडी यूजर्स में जाओगे, कंप्यूटर्स ऑप्शन में जाओगे, तो यहाँ ये देखो server 02 डोमेन में ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये वाला सर्वर। इस तरह से आपको क्या करना है, एक सर्वर बना लेना है और एक क्लाइंट बना लेना है। क्लाइंट में आप सर्वर मशीन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप विंडो 7 यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई वर्जन विंडो 10 ले लीजिए आप, ठीक है। सेम चीज़ है, आप 12 में वही चीज़ कर सकते हो, 16 में भी वही कर सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप यूज़र्स बनाओगे और इस यूज़र को यहाँ आप लॉगिन करा दीजिए। अब देखो अब यूज़र कैसे लॉगिन करेगा, देखो यहाँ अदर्स में जाओ, gmail.com आ रहा है, यहाँ पे आप यूज़र का नाम लिखोगे user1 और पासवर्ड इसका जो था वो डाल दो, यहाँ लॉगिन कर जाएगा, ठीक है। तो यूज़र हमेशा कहाँ लॉगिन करेगा, क्लाइंट मशीन पे। अगर इसे आप सर्वर पे लॉगिन कराना चाहोगे तो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये लॉगिन कर गया है, ये देखो, ठीक है, यूज़र वन आ गया है, इसको यहाँ से आप साइन आउट कर दीजिए। सर्वर 16 में जाओ आप, ये देखो अगर आप चाहते हो यहाँ पे लॉगिन चेक करना है इसको, तो आप साइन आउट कर लीजिए पहले और फिर जाके यहाँ पे अदर यूज़र्स में जाके चेक करा सकते हो कि यूज़र वन काम करता है कि नहीं करता, मना कर रहा है, साइन इन मेथड यू आर ट्राइंग इज़ंट अलाउड, ठीक है।
यूज़र सिर्फ कहाँ लॉगिन करेगा, क्लाइंट मशीन पर, सर्वर पे लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। तो सेशन में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।